मित्र, गुड मॉर्निंग। आप लोग का स्वागत है। ये नाश्ता यहाँ रेडी है और मैंने चश्मे पहन लिए हैं क्योंकि आंख आज भी नहीं खुल रही है। ताड़ियां रगड़ा दी बताओ। क्यों नहीं खुल रही है? मम्मी यहाँ बैठी है और अवनी भी यहाँ है। हम कल देखने गए थे ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र में सबसे लास्ट शो बुक किया था और लंबा पिक्चर था और फिर घर आए। नहीं, घर आने से पहले भूख लग गई थी तो मैकडी चले गए। फिर मैकडी में थोड़ा रश था, उधर खाया वगैरह। फिर गाड़ी में बैठे तो पता चला पेट्रोल नहीं है, फिर हम पेट्रोल पुराने चले गए। तो ऐसा करके हम घर ही आए सुबह 4:30। फिर जो भी इधर ये व्लॉग का डेटा था, वो कथा का, वो अवनी के फ़ोन में था, तो फिर उसमें से पूरा मम्मी को तब ट्रांसफ़र किया और फिर सुबह 5:30 बजे सोए। वाह, आई एम प्राउड ऑफ यू गाइस। तो आप थोड़ा देख लीजिए, कल भी हमने थोड़ा शूट लिया था रास्ते में। अभी हम लोग ने यहाँ गाड़ी पार्क की और ये टोचा गई। किधर लगा? इधर। तो फिर बहुत सारा टॉइंग आवाज आया। क्या तुम रो रही थी? मतलब नहीं, रो तो रही थी, शुरू तो हो ही गया था इसका। अभी देखो, मूवी 10 मिनट में शुरू हो जाएगी और हम अभी पार्किंग में यहाँ टला दे रहे हैं। तो अभी वेट करेगी, वो प्ले नहीं करेगी, उसको पता है कि अवनी और लखन आने वाले हैं। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा ज़्यादा हो गया दोस्तों, उसके लिए सॉरी। लेकिन हम लोग आज आए हैं सिटी सेंटर अल ज़ाहिया में। ये शारजा में पड़ता है, वजमान सिटी सेंटर में। बहुत जल्दी शो था, अभी जल्दी तो हम नहीं जा सकते, काम वाम निपटा के फिर निकले हैं। तो अभी हम आए हैं इधर। वाह दोस्तों, क्या मूवी था, है ना? ये बहुत ही मस्त था, इतना मस्त था कि मुझे दूसरी बार भी देखना जाना है। स्टोरी भी अच्छी थी। इस बार इस सभी मूवी देखा है ना बॉलीवुड में, उसमें मुझे ये अच्छा लगा कि हाँ कोई मूवी बना है। नहीं, ये नेक्स्ट लेवल था। उसका VFX, उसका साउंड, उसका शूटिंग, उसका सब कुछ नेक्स्ट लेवल था दोस्तों। मुझे बहुत मजा आया और मैं चाहता हूँ कि जितनों ने नहीं देखा है वो मूवी थिएटर में देखे और शहर में जो सबसे बड़ी स्क्रीन है ना उसमें देखो। बहुत सुपर था दोस्तों, सुपर डुपर हिट। लो पिताजी भी आ गए। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। आज पिताजी 10 बजे भी घर पे है क्योंकि आज इनका छुट्टी है। ताड़ियों ना गड़ा। क्योंकि नॉर्मली ये होते ही नहीं है, इसीलिए मुझे हंसी आई कि छुट्टी बोलने की है। हां, शुरू हो जाएगा काम। अभी वो कब से लगे हुए? 6 बजे से फोन पे लगे हुए। अच्छा, मतलब आज भी कहीं जाना है तभी रेडी हुए है ना? हाँ। तो देखो, रोटी का सब्जी है दोस्तों और चाय है। आइए नाश्ता करते हैं दोस्तों। आज है अवनी का बर्थडे। ताड़ियों ना गड़ाती बताओ। लेकिन खोटा है, ओरिजिनल नहीं है आज। डॉक्यूमेंट वाला बर्थडे, जो डॉक्यूमेंट में होता है ना, वो वाला बर्थडे है। फिर भी है तो सही ना। हाँ। इसीलिए इतनी ढेर सारी तालियां हमने बजाई थी क्योंकि वो मैडम के पास है ना, जेब में भी बहुत है, तो मैं थोड़ा आज तू दे दे, चल कोई बात नहीं। तो हम लोग आज शायद पार्टी कर सकते हैं और शायद नहीं करे क्योंकि वो पेपड़ा अभी भी पका ही है। मतलब ये देखो, आंख नहीं खुल रही है ना सही से। तो आज नहीं तो कल, बट द पार्टी विल बी ऑन यू माय फ्रेंड।
अगर आपको पार्टी चाहिए तो आपको आज मिल जाएगी, अभी चाहिए तो अभी भी मैं दे सकती हूँ, लेट्स गो। बहुत तेज, वो रोटी का सब्जी खाया नहीं, देखो मम्मी ने खा लिया, मैंने खा लिया, उसने छुआ तक नहीं। मैंने पहले पाले जी और चाय खाई ना दोस्तों, आज मैंने चाय खाई, आई मीन चाय पाले जी के साथ मैंने खाई। जो नहीं है आज, जो पीती नहीं है वो आज खा रही है। ये बन क्या रहा है, ये इधर ये है, आपके हाथ में कुछ है, इधर कुछ है, ये एक्चुअली क्या बन रहा है? जुवार की रोटी, अकेली जुवार की रोटी, अकेली जुवार की रोटी। पर आटा ऐसा क्यों है? इसको अच्छे से मसलना है, फिर बेलना है, और एकदम इजी रेसिपी है। बहुत जल्द आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मेरी चैनल पे मिलेगी, अंजना धान किस किचन पे। और देख कितनी मस्त रोटियां आप आसानी से बेल सकते हैं, देखिए कितनी मस्त है। और होती भी कितनी एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट, ऐसा नहीं है कि ये वो हो जाती, कड़क हो जाती है, एकदम मस्त रोटी बनती है। आज है सिंपल मेनू लंच में, गाजर का संभारा मर्चे के साथ और दही, फुल देशी मेनू है लंच में। वाह, और देखिए ये फुल भी रही है, मैं इधर बेल भी रही हूँ। देखो जुवार के आटे का रोटी बनाना बहुत टफ होता है, ये देख फुल के दड़ा हो रही है। तो गरम गरम घी के साथ खाने की भी एक अलग ही मजा है, बहुत टेस्टी लगती है, देख सॉफ्ट सॉफ्ट। मुझे भी आ गई, देखिए एक इधर बन रही है और इधर मैंने इसको बेल डाली है अभी ये। तो अभी आप सोचो कितनी आसान है। यस, बहुत ही आसान, खुशबू तो इसकी बहुत अच्छी आ रही है। जुवार की रोटी, जुवार की रोटी किस किस को पसंद है जरूर से कमेंट कीजिए। साड़ी रेडी हो गई है, डेडी कैसी लगी आपको जुवार की रोटी? जुवार की रोटी बहुत अच्छी है, देखो आसानी से टूट जाती है। साथ में गाजर मिर्ची का संभारा और दही, लहसुन वाली चटनी, देसी जमन। यस, यहाँ पे छाछ है। और ये मम्मी आपने क्या बनाया कुछ नया? तलवट, तलवट में दूध भी है, गुड़गी भी है, वहाँ पे संभारा भी है, तो बहुत सारी चीजें है देसी। तो आइए दोस्तों खाना खा लेते हैं। और कोई काम है बाकी अब? काम करके तो बैठी है अभी, तो ये देख मम्मी हमारी कथा कितने लोगों को पसंद आई, मजा आ रही, बहुत मजा आ रहा है, कमेंट पढ़ रही थी, आंसर दे रही थी, तो मजा आ रहा था। मम्मी अब सोने की मजा ले हम थोड़ी देर, चले आप लास्ट 30 मिनट से बोल रहे हो कि चले सोने जाते हैं, चलो सोने जाते हैं, चलो सोने जाते हैं। है ना, पता नहीं है टाइम मोबाइल के अंदर कितनी देर तक घुस जाता है। अपने को मोबाइल के अंदर से निकालिए और रूम की ओर प्रस्थान करें देवी। चलिए 2:30 बज गया है, 4:30 बजे हमें जाना है किधर? जिम में। काम चो मित्रो, मैं वापस आ गया काम से और मामा भी आ गए, वो थोड़ा फ्रेश हो रहे हैं और यहाँ माहौल में सब बैठा बैठे, मम्मी भी इधर बैठी है, ये पिताजी भी इधर। आज आप खाने क्यों नहीं बैठे? वो थाली इधर आ जाए, मैं अभी खा लूं। देखो दोस्तों 11:45 और मुझे जाना है बाल कटाने, लेकिन वो थोड़ा ये मैं खा के तुरंत निकल जाऊंगा। और बताने की बात ये है कि जो हमारा ये जो ए मेरी जोराज अभी वाला जो ये जो क्या था वो शॉर्ट था, वो आज 1,000,000 हो गया है। तो ये देखो लाइफ में पहली बार हुआ है ना ये, तो थोड़ा आज अच्छा फीलिंग है। इसी बहाने मैं आज 2 चपाती ज्यादा खाने वाला हूँ। और आओ जाकर कह दो बादशाह रिक्को से विलन की एंट्री हो गई है, अभी सबका सुपड़ा साफ करना है। बुर्ज खलीफा क्या कर रही हो? अभी यहाँ पे सब्जी बन रही है, आलू का स्पाइसी ट्रिपल स्पाइसी सब्जी। ट्रिपल स्पाइसी है कि नहीं है? सच्ची में ट्रिपल स्पाइसी है। तो तू खाएगी कि नहीं खाएगी? मैं टेस्ट करूंगी। क्यों तू नहीं खाएगी? मैं खाऊंगी, लेकिन इतना जितना आप सब्जी खाते हो ना ट्रिपल स्पाइसी, उतना मैं नहीं खा सकती। क्यों नहीं होता ना, ये मर्दों वाली बात है। लिमिट में फेंकना चाहिए, हर किसी का केस होता है, इतना तीखा कौन खाता है। हाँ लेकिन वही बोला ना, ये मर्दों वाली बात है। हाँ पर वो भी ओवर तीखा। कोई बात नहीं दोस्तों, मैं अभी इसको परेशान करना यहाँ बंद कर देता हूँ और दूसरा क्या क्या है ना वो देखते हैं। मित्रों खिचड़ी है और
चाय है और यहाँ पे डोल वाला सब सामान है और उसमें क्या है वो प्रसाद लगता है। जी 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 हाँ जी, इसमें सब मिठाई प्रसाद है और इसमें है दाल और हमारे पास है खाली प्लेटें, तो ये भर देते हैं दोस्तों। और कुछ छुपा रहे हैं? नहीं नहीं कुछ नहीं। नहीं 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 नहीं, नहीं कुछ तो छुपा रहे हैं, बता दीजिए। आप बता दीजिए, मेरा फेवरेट है। आपका फेवरेट ये पॉप फॉक होगा? नहीं। अच्छा पार्ले जी? नहीं नहीं नहीं। तो क्या है और उसमें क्या है? ओ, तल पापड़ी। वाह मने तो एम के हूँ न उलिए वाह हो तमे। तो अब ये फिर भर देते हैं दोस्तों। वाह दोस्तों क्या खाना था, ऐसा खाना तो मैंने लाइफ में कभी खाया ही नहीं है आज। हाँ सच में आज मेरे वो पेट में जगह नहीं है, नहीं तो मैं पक्का ये सब सब्जी कुछ भी बाकी नहीं रखता। और ये लोग यहाँ पे अभी भी खा ही रहे। देखो 32 वाट की अभी भी खा रहे सॉरी नहीं नहीं अभी भी खा ही रहे, मतलब ये अभी खा रहे हैं और मैंने खा लिया क्योंकि मैं थोड़ा स्पीड खाता हूँ। इतना सारा खाना खाया और अभी भी ये लोग खा रहे हैं, मतलब क्या है फिर भाई? नहीं नहीं वो मेहमान के घर भी जाते हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं स्लो खाऊं, नहीं तो फिर वो क्या है मैं सबसे ज्यादा खा लेता हूँ और जल्दी खा लेता हूँ और खड़ा हो जाता हूँ। और आप क्या खा रहे हो? मुखवास। तो फिर दोस्तों मैं अभी जा रहा हूँ बाल कटाने, अभी आज आप लोग ये इनके साथ कंटिन्यू कीजिए, फिर बाद में मिलते हैं दोस्तों। सारी चीजें किचन में चली गई है, जो सारी चीजें उधर से लाई थी इधर रख दी, अभी सभी चीजों को अच्छे तरीके से रख दूंगी। मम्मी यहाँ पे बर्तन कर रहे हैं, अभी खाने के बाद कुछ भजन वजन कुछ सुनेंगे ना मम्मी? बिल्कुल। आप गाओगे कि डैडी गाएंगे? देखते हैं, तेरे डैडी अगर रेडी हो गए तो अच्छी बात है। चमत्कार हो गया दोस्तों आज, डैडी ने सामने से बोला सुनिए आज मैं भजन गाने वाला हूँ। तालियां डैडी के लिए। आपके पीछे वो शर्ट क्यों टांगी? ओ हाँ, आपने इधर क्यों शर्ट टांगा? वो सुबह की तैयारी है। ट्राउजर उधर है। डैडी बहुत प्लानिंग के साथ चलते हैं, तो सभी रेडी करते रहते हैं, कभी उधर टांगते हैं। नहीं इसमें एक बार लगाया था तो कृष्णा डर गए। आज आप शुरू करें, आज हम पावन हो जाएंगे आपके गान आपका भजन सुनकर। सच्ची में गा दूं? सच्ची माँ जी यस, अब गा ही दीजिए। आज तो सुनेंगे जैसा गाएंगे वैसे। पहले से ताली बजा दो। तालियां तालियां, पता नहीं बाद में ताली बजाने जैसा हो भी जाए। नहीं नहीं आप मस्त ही गाते हैं और आज भी अच्छा ही गाएंगे। अच्छा चलो वो भजन के बारे में भी बाद में कुछ बताऊंगा। हाँ जी शुरू कर दो जी। कब जाने कछु काम की ना, श्याम को बस कर लीना, विरहय गन पूकत है सीना, किस विध होगा जी न सकी, किस विध होगा जी, कोई जाए कहो कोई जाए कहो कोई जाए कहो, पियो पास रहो मोरे मन की पूरे आस रे, घर आओ मोरे सांवरिया, मोरी नींद गई मोरी नींद गई, मोहे चैन नहीं गए श्याम तो कुब जा पास रे, दर्श बिना वही बावरिया। वैसे ये दास सतार का भजन है ये और मुझे बहुत पसंद है, जगमाल भाई बारोट ने और ओपलेटा मौज आश्रम के अखंडानंद स्वामी जी ने साथ में गाया था, कभी YouTube पे सुन लेना, बहुत अच्छा। वाह 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 वाह। आज के लिए इतना ही दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मौज कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जय हिंद। हमारे वीडियो को
सब्सक्राइब करें। तालियां। एक गजब ऊंचा काम हुआ बाकी।